ये मैंने सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव किए हुए हैं। हो कहाँ से हो आप, विलेज कौन सा है आपका, या स्कूल में छोटी बच्ची हूँ क्या, मतलब इतनी छोटी हूँ दिखती हूँ मैं आपको, मैं आपके पापा कहाँ हैं, थर्ड नंबर मेरा, मैं सबसे छोटी हूँ। मुझे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं साइज देखिए ये फोन। तो एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, पॉपकॉर्न बना रही थी मैं, दी की बेटियाँ आई थी, घर पे पड़े रहो और रूम में पड़े रहो बस, किसी से कोई लेना देना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की वीडियो रूटीन व्लॉग नहीं है, सहरी टू इफ्तार वाला आपको देख के लग रहा होगा। तो आज की वीडियो रहने वाली है, थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि क्यू एंड ए क्वेश्चन एंड आंसर, जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे तो उनके आंसर्स आज मैं देने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर देना अगर अच्छी लगी, या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं और शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्लैशलाइट ऑन है, आंखों में पड़ रही है, मुझे स्क्रीन पे साफ दिख ही नहीं रहा। तो शुरू करते हैं, मैंने सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव किए हुए हैं। सबसे पहला तो रमज़ान का महीना है, रमज़ान पे जो कमेंट आया वही पढ़ूंगी कि रमज़ान कैसा चल रहा है। तो बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा फेवरेट मंथ है रमज़ान का। अच्छा, तो पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन ही दे देती हूँ आपको कि मेरा नाम शगुफ्ता अख्तर है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने यूट्यूब चैनल मतलब नाम रखा है मिनी ब्लॉग्स, मैंने सोचा नहीं था कि ब्लॉग्स डालूंगी या इतने लंबे, जो भी है वो मैंने मतलब सोच के रखा था कि छोटे छोटे ब्लॉग्स ही डालूंगी। तो मेरे चैनल का नाम शगुफ्ताज मिनी ब्लॉग्स वैसे ही पड़ गया है, तो अब वही चल रहा है, मैंने सोचा भी नहीं चेंज करूँ। अगर आप चाहते हैं या आपका कोई सजेशन है, आप बताना कौन सा नाम मुझे रखना चाहिए, तो सब कमेंट्स में बताना अपना अपना जो आप चाहते हो, तो मैं देखूंगी अगर कोई अच्छा लगा या तो फिर इसी के साथ कैरी ऑन करेंगे। सबसे पहले कमेंट्स मुझे मतलब ये भी आते हैं कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो आप, विलेज कौन सा है आपका, या जम्मू में कहाँ पे रहते हो। तो एट प्रेजेंट हम जम्मू में रह रहे हैं, बेसिकली हम जम्मू के नहीं हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ मैं, वहीं पर एक विलेज है हमारा बहुत प्यारा सा। तो एट प्रेजेंट जम्मू बठिंडी में रहती हूँ मैं। तो एक कमेंट आया कि आप स्कूल नहीं पढ़ती। स्कूल में छोटी बच्ची हूँ क्या, मतलब इतनी छोटी हूँ दिखती हूँ मैं आपको, मैं स्कूल नहीं पढ़ती। तो मेरा स्कूल भी हो गया, मेरा कॉलेज भी हो गया, यूनिवर्सिटी भी समझो हो गई है, क्योंकि मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई है, एमए पॉलिटिकल साइंस की हुई है मैंने। अच्छा जी, आपके पापा कहाँ हैं, वो तो हमें कभी व्लॉग में नहीं दिखे। ये ऐसे दो कमेंट्स आए हुए हैं मुझे कि पापा कहाँ हैं। तो पापा हैं हमारे विलेज में, आजकल वो अप डाउन करते रहते हैं क्योंकि अब उनकी रिटायरमेंट हो गई है। तो रिटायरमेंट का व्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब रिटायर हैं, जहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो वहीं जाते हैं, आजकल वहाँ पर कुछ काम लगाया घर पर तो इसलिए वो वहीं हैं। तो आते जाते रहते हैं, हो सकते हैं दो दिन बाद आ भी जाएं तो आपको इंशाल्लाह दिख जाएंगे वो व्लॉग में। आपके कितने भाई हैं। जी मेरा एक ही भाई है, बड़े भैया हैं मेरे। और मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि सैरिश वगैरह, सैरिश और आपके क्या लगते हैं, तो वो मेरे भैया के ही बच्चे हैं, सैरिश मुबशिर नाजू। तो बड़े भैया हैं, फिर मेरी दी हैं उनसे छोटी, और दी की बेटी है आयत। आयत का भी एक कमेंट आया था कि आयत क्या लगती है आपकी, आयत मेरी दी की बेटी है, वो हमारे साथ ही रहती है क्योंकि स्कूल पढ़ती है यहाँ। तो दी और रहते हैं विलेज में, उनकी वहीं ड्यूटी वगैरह है। तो उसके बाद थर्ड नंबर मेरा, मैं सबसे छोटी हूँ, ये सब मेरे भांजे और भतीजे हैं। अब कमेंट आया है, आपकी फेवरेट कंट्री और वहाँ आप जाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो एज अ मुस्लिम सब जाना चाहते हैं जहाँ, वो तो है सऊदी अरेबिया, मक्का शरीफ, मक्का मदीना। तो वो तो सबको मतलब फ़र्ज़ भी है और वो सबके माइंड में बचपन से होता ही है वहाँ जाना है, मगर वो तो मतलब उसको अलग रख के अगर हम देखें कि मेरी फेवरेट कंट्री स्विट्ज़रलैंड है, और इंशाल्लाह मतलब मेरी ड्रीम कंट्री है, तो मतलब सोचा है मैंने इंशाल्लाह मैं जाऊँगी ज़रूर एक बार स्विट्ज़रलैंड, मैं जाना चाहती हूँ। और एक मुझे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं साइड से, देख रही है ये फोन, मतलब मेरे 1500 अब 1600 होने वाले हैं सब्सक्राइबर। मुझे तो लग रहा है इन्होंने ही सबके क्वेश्चंस पूछ दिए हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए सब एक ही साथ, सब हो जाए क्लियर जो भी हो। सबसे पहले तो है, व्हाट्स द वियर्डेस्ट कमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड ऑन वन ऑफ योर वीडियोज। ऐसा कोई कमेंट नहीं है ना मुझे याद है, मतलब ऐसा कोई आया भी नहीं मुझे, कोई भी नहीं है। फ्लैश लाइट पड़ रही है मुझे, अब स्क्रीन ही नहीं साफ दिख रही। If you could collaborate with any YouTuber, who would it be and why? ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
यूट्यूबर तो वैसे तो मैं मतलब जो मिलियंस में है बड़े बड़े यूट्यूबर इंडिया के या पाकिस्तान के, मैं देखती हूँ व्लॉग सुन के, फिर ऐसा नहीं मैंने कभी सोचा कि मुझे कोलैबोरेट करना है इनके साथ। कोई नहीं, फिलहाल कोई नहीं है, आगे देखते हैं पता। व्हाट्स द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट्स हैपेंड टू यू सिंस स्टार्टिंग योर चैनल? क्या हुई है मोस्ट अनएक्सपेक्टेड? शॉर्ट्स एकदम व्यूज है पॉप करना है पहले शॉर्ट। सबसे पहले तो हाँ कुछ हुआ, मतलब एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, पॉपकॉर्न बना रही थी मैं, दी की बेटियाँ आई हुई थी, पॉपकॉर्न बनाओ, तो मैंने ऐसे ही बना के डाल दिया। पहले तो मैंने देखा उसको, यूट्यूब पे सर्च मारा कि बनाते कैसे हैं पॉपकॉर्न, तो शॉर्ट्स में देखा कि उस पर बड़े व्यूज़ हैं, लोग सर्च मारते हैं कैसे चीज़ें बनाते हैं, तो मैंने भी पॉपकॉर्न का शॉर्ट्स बना के और डाल भी दिया। तो मतलब 1 घंटे के अंदर ही ना वो मेरा फर्स्ट शॉर्ट्स था जो वायरल हुआ था। मतलब थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो उस पर कुछ 100 व्यूज़, 200 ऐसे, तो अचानक एक एक मिनट बाद उसके व्यूज़ बढ़ने लगे। मतलब एकदम से 1 घंटे के अंदर ही कोई वो 2K पे पहुंच गया, और वो 2K पे जो पहुंचा, क्योंकि वो मेरी पहली अचीवमेंट थी और हम सब इतने ज़्यादा खुश हुए, फिर मतलब एक्साइटमेंट पीक पे थी उस टाइम सबकी, दी की बच्चियाँ सारी इधर ही थी, इतना खुश हो रहे थे। वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी कि वाह ऐसा भी होता है। मगर अब तो मेरे माशाल्लाह शॉर्ट्स पे हाईएस्ट व्यूज 15K हैं, है ना, जाता देख। हाँ तो वो चीज़ अच्छा। कैन यू शेयर अ क्विक बिहाइंड द सीन्स ब्लूपर फ्रॉम वन ऑफ योर वीडियोस? ब्लूपर्स मैंने ना पिछले मतलब लास्ट स्टार्टिंग्स के कुछ व्लॉग्स में ब्लूपर्स भी मैंने ऐड किए हैं, और आगे भी आगे करूँगी कभी ना कभी किसी वीडियो पे, और कुछ किए भी हैं मैंने पहले। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड योर चैनल्स नेम और लोगो? ये तो मैंने खुद ही बिना क्वेश्चन पढ़े ही पहले ही आंसर दे दिया कि चैनल नेम कुछ भी सोच के नहीं रखा, ऐसे ही रख दिया। अगर आपके हैं कोई सजेशन कि चेंज करो या ये ठीक है या क्या रखना चाहिए तो आप बता देना। इफ़ यू कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू फिल्म अ वीडियो, वेयर वुड यू गो एंड व्हाट वुड यू फिल्म? कंट्री तो मैं स्विट्ज़रलैंड बोलूँगी, वही स्विट्ज़रलैंड जाऊँगी और वहाँ का व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, और क्या मतलब यही। अच्छा, व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग वीडियो यू हैव एवर क्रिएटेड एंड व्हाई? वाज इट डिफिकल्ट? का व्लॉग बहुत, निकाह व्लॉग, निकाह का व्लॉग, मगर वो डिफ़िकल्ट नहीं था, कोई नहीं पता, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट शूटिंग के टाइम, वीडियो शूट करते टाइम कोई नहीं थी खास, मतलब नहीं कोई नहीं, ऐसी कोई वीडियो नहीं है। डू यू हैव एनी हिडन टैलेंट्स और हॉबीज दैट यू व्यूवर्स माइट नो अबाउट? हिडन टैलेंट, हिडन टैलेंट कोई नहीं है। मेरी हॉबीज़ मैं आपको बताऊं तो मुझे होम सिक हूँ मैं, ट्रैवल का, ट्रैवलिंग का शौक है, मतलब नई जगह पे, टूरिस्ट स्पॉट पे, मतलब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, वो तो एक है मेरा हॉबी है। मतलब मैं होम सिक हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब कहीं जाना होगा, छोटे मोटे काम पड़ जाते हैं, मार्केट जाना है, शॉप पर जाना है, मौत पड़ती है मुझे, मैं नहीं जा पाती। घर पर पड़े रहो और रूम में पड़े रहो बस, किसी से कोई लेना देना नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, और लेजी बहुत ज़्यादा हूँ मैं। अच्छा, व्हाट्स योर फेवरेट वीडियो गेम मूवी बुक एंड हैव यू एवर इनकॉर्पोरेटेड इट इन योर फेवरेट गेम? तो मैं आजकल वो खेलती हूँ, क्या नाम है उसका, पजल, ब्लॉक पजल, ब्लॉक पजल वाली, हाँ उसमें पेंटिंग होती है, वो अलग अलग होती है, वो जोड़नी होती है, एक तो वो मतलब फ़ोन में है आजकल तो वही खेलती हूँ, ऐसा कोई नहीं है मेरा गेम ना भी खुद चलेगा। और मूवी कोई फेवरेट एक नहीं है, मतलब मुझे कॉमेडी मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी मूवीज़ हाँ। और बुक्स तो मैं, बुक्स हैं मेरे पास 4-5 पढ़ी हुई, मैं दिखा दूँगी आपको। तो मैं पढ़ती हूँ। इफ यू कुड मैजिकली गेन वन न्यू स्किल ओवरनाइट टू इम्प्रूव योर वीडियोज व्हाट वुड इट बी? सबसे पहले तो ओवरनाइट क्या, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी मेरे पास आईफोन आ जाए, तो उससे अच्छी वीडियोस बनेंगी रातों रात, मगर उसके लिए मुझे बड़ी सेविंग करनी पड़ेगी। और हाँ, आईफोन आ जाए और व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, मिलियंस में हो जाए, सब एक यूट्यूबर का यही सपना होता है, तो बस यही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे ये इनके, है ना। अच्छा, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? विंटर्स, क्यों? क्योंकि उसमें स्नोफॉल होती है और मेरा फेवरेट सीज़न है वो, और मेरे स्नोफॉल के व्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो मुझे नहीं लगता आपने मेरे चैनल पे और कुछ देखा, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किए क्योंकि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल होती हुई देखी, मैंने बचपन में देखी थी जब मैं गए थे, मगर मुझे कुछ भी उस टाइम का याद नहीं है,
उसके बाद अब मैंने ठान ली थी कि मैंने जाना ही जाना है स्नोफॉल देखने, और मैं गई। और मतलब अल्लाह का शुक्र है, जैसे ही मैं गई उसी दिन स्नोफॉल हुई, उसके बाद हुई भी नहीं। और मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया, जैसे मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा खुश थी, और लाइफ टाइम की मेमोरीज बन गई अब वो मेरी। तो आप जाके प्लीज़ ज़रूर देख लें वो वाले व्लॉग्स भी। आप जम्मू किस जगह रहते हो? मैं भी जम्मू में हूँ, बठिंडी। विच रेस्टोरेंट इन जम्मू डू यू लाइक द मोस्ट? मैंने तो सारे रेस्टोरेंट एक्सप्लोर भी नहीं किए अभी बठिंडी में इतने ज़्यादा, और मैं अभी एक दिन पहले गई थी एक रेस्टोरेंट में, मैं बठिंडी में भी किसी रेस्टोरेंट में नहीं गई हूँ। मतलब ऐसे गई हूँ बीच बीच, मगर कोई फेवरेट नहीं है एज नहीं, वैसा कोई नहीं। खाना अच्छा होना चाहिए वहाँ का, बस ये मेन चीज़ होती है, और जहाँ पे खाना अच्छा हो तो अच्छा ही होगा। अगर आपको एक चांस मिले बचपन में जाने का, तो सबसे पहले कौन सी तीन चीज़ें करोगे? बचपन में जाऊंगी, सबसे पहले तो स्कूल लाइफ है जो मेरी सबसे बेस्ट, और स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं मेरे, स्कूल लाइफ मतलब बचपन में भी आती है वो, 10th से पहले भी जो है, फर्स्ट या जो भी, जहाँ भी बचपन में ही ले लो उसको, मतलब वो चीज़ है जो स्कूल लाइफ बेस्ट थी मेरी, और वही मैं चाहूँगी दोबारा हो। जो सबसे पहले कौन? हाँ, दोबारा स्कूल जाना चाहूँगी मैं। ये नहीं स्कूल जाने जाऊंगी सुबह उठ के तैयार हो बस, वो चीज़ें नहीं, वो उस स्कूल टाइम, में जाके जो एंजॉय करते हैं हाँ वो वो। चीज़ें, वो ये रूटीन वाला नहीं, अब नहीं वैसे वैसे होता दोबारा। और बाकी की दो, हाँ एक तो बचपन में हमारा क्या होता था, हमारे साथ एक मेरी कज़न भी रहती थी, मतलब घर गांव विलेज वाले घर में हमारी दी थी, वो मेरी बुआ की बेटी। तो मतलब जब वो रहते थे हमारे साथ, वो बड़े थे हम सबसे, तो वहाँ पे ना मतलब रात के टाइम जुगनू आते थे, जुगनू आप जानते होंगे, लाइट होती है जिनकी रात को उड़ते हैं वो। तो ना मतलब रात को लाइट होती थी या सब बाहर बैठे थे, हम जुगनू पकड़ने जाते थे आगे रास्ते में, वैसे ना होती है जो गांव में क्या बोलते हैं उसको, गैर पतली गलियां। हाँ मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब बहुत मज़ा आता था वो जुगनू पकड़ना रात को, बहुत मज़ेदार चीज़ें थी बचपन था तब तो मेरा, मैं सबसे छोटी थी। वो मेरी बुआ की बेटी रहते थे हमारे साथ, वो सबसे बड़े थी, मेरे मामू की बेटी, उनका बचपन भी मेरे साथ गुजरा है। हाँ वो सारी चीज़ें, वो बेस्ट टाइम था। और तीसरी चीज़, तीसरी क्या चीज़ है, कुछ याद नहीं आ रहा, कहीं पे बैठ के पूछ ले क्वेश्चन। कभी स्कूल में बंक किया है? नहीं मैंने कभी बंक नहीं किया स्कूल में, हमारे स्कूल में ऐसा था भी नहीं, गेट के अंदर जाओ गेट बंद, छुट्टी होगी तो ही गेट खुलेगा, स्कूल टाइम भी नहीं किया ना। तो यही थे कमेंट्स कुछ, बहुत ही इंटरेस्टिंग से मज़ा आया मुझे ये वीडियो बनाने का। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी का और कोई कमेंट है, तो जब मैंने बोला था तब पूछ लेना था ना, अब दोबारा कमेंट करोगे दोबारा मैं ये वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप कि आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, बहुत सारी दुआएं किया करें सबके लिए, मेरे लिए भी। और थैंक यू सो मच सबको, मैं बोलूँगी जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, कुछ तो सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कुछ तो सब्सक्राइब करते नहीं हैं मगर वीडियो देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपका भी धन्यवाद। क्या बोल रही थी मैं, हाँ सबके लिए दुआएं किया करें, मेरे लिए किया करें, अल्लाह आप सबको भी कामयाब करे, जो जो भी आपकी विशेज हैं या स्टडी कर रहे हैं आप, या जिस भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट व्लॉग चैलेंजिंग वीडियो, ट्रूथ एंड डेयर फियर। चैलेंजिंग वीडियो, चैलेंज किसके साथ करूँ, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो चलो आपकी जो भी सजेशन है, या आप चाहते हैं कि कैसी वीडियोस बनाओ, या आपको मेरी रूटीन वीडियोस जो बन रही हैं ये आपको अच्छी लग रही हैं, तो वो भी बताना। और मतलब ये आप चाहते हैं, एक तो मैंने डाला था कि डेली व्लॉगिंग करूँ कि नहीं, और उस पर 70 अबव वोट्स आ गए अब मुझे कि डेली करो व्लॉगिंग, और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है आजकल व्लॉगिंग करने का, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, और जो मेरे रेगुलर जो कमेंट्स करते हैं ना सब्सक्राइबर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रिप्लाई चाहे रोज़ नहीं आपको करती, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हैं लोग देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। और कोई दिल दिल ना भेजा करो यार, कोई लिख छोड़ा करो। जो भी करते हो कोई मसला नहीं। हाँ जी, तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, देन नोटिफिकेशन दबा देना, नोटिफिकेशन जो बेल होती है, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ, तो इंशाल्लाह आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे। हाँ तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दरवाजा ही नहीं बंद किया, वॉट बाद में दूंगी, नेल कटर चाहिए अभी, बाद में आना। हाँ उधर बैठ सके, कैमरा बंद हुआ तो बता देना, 10 मिनट बाद बंद हो जाता है। मैं दिख रही हूँ क्लियर, बेटा ठीक है मैं क्या
ट्रैवलिंग का शौक है, बट उल्टियां बहुत आती हैं।